अगर आपका 18 प्लस हो चुका है और आपके पास वोटर आई डी कार्ड नहीं, आप किसी को बनवाने के लिए दिए हैं और बहुत दिन हो गया, ठीक है, लेकिन आपको पता करना है कि हम वोट दे सकते हैं कि नहीं, ठीक है, आपको क्या पता करना है कि आप वोट दे सकते हैं कि नहीं, तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। आपको 3 मिनट के अंदर में चेक करके बताएंगे और आप भी चेक कर सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर में कि आप वोट दे सकते हैं कि नहीं, बिना किसी डिटेल के, सिर्फ अपने नाम और फादर नेम, ठीक है, सिर्फ नाम और फादर नेम पर चेक कर सकते हैं कि आप वोट दे सकते हैं कि नहीं, और दे सकते हैं तो कहाँ दे सकते हैं और किस डेट के दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो आपको फ्रेंड आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है, कोई सा भी मोबाइल पर आ जाना है और मोबाइल में आने के बाद सिंपल सा मोबाइल का नेट ओपन कर लेना है, ठीक है, और नेट ओपन करके क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ सर्च बॉक्स दिखेगा, उसमें आपको सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन, ठीक है, वोटर हेल्पलाइन। जैसे आप वोटर हेल्पलाइन लिख कर सर्च करेंगे तो पहला इंटरफेस कुछ इस तरह का, आपका पहला ऐप आ जाएगा, इसको इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा ओपन पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा और कुछ सेकेंड वेट करने के बाद ये ऐप क्या होगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का ओपन हो चुका है और बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो इस ऑप्शन पर आपको नज़र नहीं मारना है, सिंपल सा हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप दिख रहा है सर्च योर नेम, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रोल रोल, ठीक है। तो इस पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर छेड़छाड़ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ सर्च बाय डिटेल इस पर आपको क्लिक करना है। इसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखिए सबसे मेन बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें अगर अपना ही चेक करना चाहते हैं कि हम वोट दे सकते हैं कि नहीं, तो अपना नाम क्या है, अपना अगर आपका नाम रमेश यादव है तो ठीक है, आपको इसमें लिखना है रमेश और नीचे लिखना है यादव, ठीक है। हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, अगर आपका नाम रमेश यादव है तो आपको इसमें रमेश लिखना है और यहाँ स्पेस ऐसे नहीं छोड़ना है, देखिए स्पेस इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, स्पेस नहीं छोड़ना, ठीक है। और इसमें भी कोई स्पेस छोड़ देते हैं तो नहीं आता, स्पेस नहीं छोड़ना, ठीक है, ऐसे रमेश यादव लिख लेना है। चलिए जैसे हमारा नाम है सचिन कुमार, तो हम यहाँ सचिन लिखेंगे और बिना स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, लास्ट में स्पेस नहीं दे और कुमार, ठीक है। देखिए यहाँ स्पेस आ चुका है तो स्पेस नहीं देना है, स्पेस को हटा देना है, ठीक है, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सचिन कुमार लिखने के बाद यहाँ रिलेटिव फर्स्ट नेम, यानी आपके वोटर का आपका पिताजी का नाम रहता है तो सिंपल सा यहाँ अपने पिताजी का फर्स्ट नेम इसमें डालना है और यहाँ अपने पिताजी का लास्ट नेम डालना है। जैसे आपके पिताजी का नाम है रमेश्वर प्रसाद, आपको क्या करना है, इसमें रमेश्वर डालना है, इसमें प्रसाद डालना है, ठीक है, और बिना स्पेस के। तो चलिए हम इसमें पिता का नाम डाल देते, चलिए हम अपने पिताजी का नाम डाल चुके हैं और यहाँ देख रहे हैं एज, इसमें आपको क्या करना है, एज डालना है, ठीक है, आपका जो एज हो रहा है वो आपको एज डाल देना है। चलिए एज अपना डाल देना है, एज डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेल फीमेल थर्ड जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आप मेल है तो मेल पर क्लिक कीजिएगा या फीमेल है तो फीमेल पर, ठीक है। तो चलिए हम मेल पर क्लिक किए हैं और यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आते हैं और यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने यहाँ सेलेक्ट असेंबली सेलेक्ट करना है, यानी आपका विधानसभा कहाँ है, ठीक है। तो आपका सिंपल सा आपका प्रखंड ही ऑलमोस्ट विधानसभा रहता है तो सिंपल सा अपना प्रखंड इसमें चॉइस कर लेना है, ठीक है। इसमें चॉइस करने के बाद सिंपल सा सर्च पे यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपने के सामने के लिए देख लिए मिल जाएगा। अगर ये इंटरफेस आपके सामने आ गया तो समझिए आप 101% आप वोट दे सकते हैं, आपका वोटर कार्ड भी बन चुका है और आप वोट भी दे सकते हैं और किस पार्लियामेंट में आप वोट दे सकते हैं, यानी आपका क्षेत्र कौन सा है, यहाँ क्षेत्र आपका लिख रहेगा यहाँ देख सकते हैं, और आप किस डेट को दे सकते हैं तो यहाँ डेट देखिए, यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है सीधे आपको, ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ आपका पोलिंग स्टेशन बता देगा, यहाँ देखते हैं नाम, यानी यहाँ यहाँ पोलिंग बूथ का नाम लिखा रहेगा, यहाँ देख सकते हैं पोलिंग बूथ का नेम है और यहाँ पोलिंग डेट है, आप किस डेट को वोट डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए तो वोटिंग का डेट है और कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ आप सब कुछ क्या कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं, ठीक।
अगर आपका इंटरफेस ऐसा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, फिर से ट्राई करना है, ठीक है। आपको फिर से ट्राई करना है, अगर कोई स्पेलिंग में गड़बड़ा गया होगा तो उसको सही करना है। तो आपको क्या करना है, ट्राई कर लेना है हर तरह से। अगर ये इंटरफेस आ गया तो समझिए आप वोट दे सकते हैं, और आपका वोटर कार्ड भी तैयार हो गया है। यहाँ आपका वोटर ईपिक नंबर रहेगा, और यहाँ आपका नाम रहेगा, और एज रहेगा, जेंडर रहेगा, और पेरेंट्स स्पॉस यानी आपका फादर नेम रहेगा, और असेंबली रहेगा आपका विधानसभा, और यहाँ पार्लियामेंट संसदीय क्षेत्र रहेगा, और यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, स्टेट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वोटर कार्ड भी हुआ आपका, ठीक है। तो आपको अगर सर्च नहीं आता है तो सिंपल सा बैक आना है, और आपका दोबारा क्या करना है, अगर आपका एज है, अगर एज अगर आप 1-2 साल क्या कर रहे हैं, अगर कम डाल रहे हैं तो आपको सिंपल सा, अगर आपका 19 साल हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 22 साल का डाल कर भी देखना है, और आपका पिताजी का नाम अगर लास्ट में कुछ और है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आधार कार्ड के हिसाब से अपना पिताजी का डिटेल डालना है और अपना भी डिटेल डालना है, ठीक है। आपका 100% सर्च होगा। अगर सर्च नहीं हुआ तो सिंपल से क्या करना है, आपको क्या समझिएगा, आप वोट नहीं डाल सकते, आपका वोटर कार्ड अभी तैयार नहीं हुआ, ठीक है। आपका वोटर कार्ड तैयार करने के लिए, ठीक है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है ऑनलाइन वोटर कार्ड कैसे बनाए, तो सिंपल सा वीडियो आएगा, आपको देख लेना है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही बताने वाले थे, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप सब कमेंट में नहीं बताते हैं तो हमको बुरा लगता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है तो हमको मोटिवेट मिलेगा अंदर से, ठीक है। चलिए वीडियो क्या करते हैं, एंड करते हैं।